नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी की मुसलमानों को नसीहत, लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का विरोध ना करें मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने की वजह से देश का मुसलमान हमेशा निशाने पर रहता है। देश के बदलते सियासी हालात को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी ने देश के सभी मुसलमानों को प्रधानमंत्री का विरोध ना करने की नसीहत दी है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला अंबिकापुर में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी ने कहा कि खुद को सेकुलर बताने वाले राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के विरोध की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के कंधे पर दे रखी है। इससे मुसलमान हमेशा हसीय पर रहता है, जबकि राजनीतिक फायदा सेकुलर दलों और उनके नुमाइंदों को मिलता है। मौलाना ने कहा कि देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी के विरोध करना छोड़ना होगा और ऐसा करने से सेकुलर दलों का भ्रम तोड़ सकते हैं। 2 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध मुसलमान बिल्कुल ना करें। धार्मिक कॉन्फ्रेंस में बरेलवी मौलाना ने कहा कि मुस्लिम समाज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत के सियासी हालात बहुत तेजी के साथ बदले हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।